Vilas, we have been associated, I think, from the last 5 years, maybe, yes. And yes, from the 5 years. So there have been times when, if not clothes, then, you know, in any other ways. But very recently, yes, I've been giving him the clothes, old clothes, or even, I wouldn't term them old clothes. It's just like, you know, it's not the right fitting size clothes now. So good condition. And if he thinks that there are people who can deem fit it, so why not? रोड के सिग्नल के बाजू में बैठते हैं, उनको कपड़े की काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग उनके पास से गुजरते हैं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी परेशानी है, लोग समझते नहीं, क्यों हर कोई इंसान हर किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता है, परेशानी में होता है। अपने अपने आज़ादी है जीवन जीने की, और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े आते हैं तो उनको लगता है कि हम खरीदें, लेकिन मैं उनको इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो वेस्टेज कपड़े हैं, जो आपने पहने हैं या अभी आप पहन नहीं सकते, तो वो हमें आप दे दीजिए, ताकि वो किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी औरत को, किसी बच्चे को वो काम आ सके, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होती है अच्छे कपड़े पहनना। देखिए, जो भी कपड़े हम लोग उनके पास देते हैं वो अच्छे कपड़े होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए हुए कपड़े नहीं रहते, और जब उनको वो कपड़े मिलते हैं तो उनको इतना अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि जो कपड़े उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं होते हैं, जिनका उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं होता है कि ये कपड़े हमको मिलेंगे, ऐसे कपड़े उनको हम लोग त्योहारों के टाइम, दिवाली के टाइम हो या छुट्टी के टाइम पे, जो होता है हमारा छुट्टी होता है वो टाइम पे हम लोग जाके उनको कपड़े देते हैं। लेकिन वो कपड़े उनको जब मिलते हैं, बच्चों को जब बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बड़े लोगों को उनके हिसाब से कपड़े मिलते हैं, कोई अच्छी जो साड़ियाँ होती है वो किसी औरतों को अच्छी साड़ियाँ जब मिलती है तो लोग बहुत अच्छा फील करते, और हम लोग को बोलते बेटा बहुत अच्छा काम है, ऐसा हम लोग को कभी किसी ने नहीं हमारी तरफ देखा, लेकिन आप लोग अच्छा काम करके हम लोग को देखते हैं।